नमस्कार दोस्तों, ऑटो स्प्रे पेंट लर्निंग में आपका स्वागत है। और अगर आपने मेरा 55 पेजेस बुक अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, उधर जाके आप अपना 55 पेजेस का बुक डाउनलोड कीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको डेंट कैसे निकालते हैं वो दिखाऊंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और स्प्रे पेंटिंग सीखने के लिए चालू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर एक गाड़ी किधर एक खम्भे पर ठोक दी और ये डेंट आ गया। तो इस कस्टमर को अभी पेंटिंग नहीं चाहिए, इसको सिर्फ ये डेंट थोड़ा बाहर आया तो काफ़ी है। तो अभी मैं इसको थोड़ा बाहर निकालूँगा और दिखाऊँगा आपको कैसे निकालते हैं वो। तो इसके लिए मैं दो टूल्स का इस्तेमाल करूँगा, एक है हथौड़ा और एक है डेंट निकालने का एक हैंड टूल। तो इसको मैं पीछे से पुश करने के लिए यूज़ करूँगा। तो ये है मेरा हैंड टूल, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं अंदर गैप में डालूँगा। ऐसे बहुत सारे हैंड टूल्स आते हैं, जो भी हैंड टूल आपके गैप में अंदर टिक से जाता है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इधर मैं ये टूल लेके पीछे से पुश कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, और एजेस पे थोड़ा प्रेशर डाल रहा हूँ बाहर से। पहले आपको हाथ लगा के देखना पड़ेगा किधर अंदर है वो, और बाद में आपको वो टूल लगा के पुश करना पड़ेगा। अच्छा पोजीशन लेके पुश करेगा। तो इधर देखिए मेरा बाहर आ गया डेंट। तो अब मैं इसको और थोड़ा बाहर निकालूँगा। तो मेरे कस्टमर को सिर्फ ये डेंट बाहर आया तो काफ़ी है। तो इधर मैं एक कपड़ा रख के एक हथौड़े से डेंट के एजिस पे थोड़ा खटखटाऊंगा, ताकि ये जो ज़्यादा बाहर आया है एज तो थोड़ा अंदर डालो, और फिर से अंदर से पुश करूंगा ताकि थोड़ा लेवल हो जाए। तो इधर मैं फिर से और थोड़ा एजिस पे हैमर लेके खटखटाऊंगा, जितना लेवल हो सके उतना लेवल आपको करना है। तो इधर आप देख सकते हैं मेरा डेंट निकाल के हो गया है। इधर आप देख सकते हैं जितना हो सके मैंने वो डेंट बाहर निकाला है। अब आप इसको बाकी का पट्टी लगा के शेप अप कर सकते हो। अब मैं इसको थिनर लेके थोड़ा वाइप करूँगा और ये डेंट थोड़ा कम दिखाई देगा। तो इधर मेरा डेंट निकाल के हो गया है और मेरे कस्टमर को ये काफ़ी है जैसे उसने बोला था वो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। और कमेंट करने को मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।